सबसे पहले मीडिया के सभी साथियों का हम शुक्रगुजार है। जब भी कोई ऐसा इशू होता है तो हम आपसे, आपके माध्यम से हर जगह वो इशू पहुंच जाता है। हमारे साथ में हमारी बहन अनीता चांदपुरी जी हैं, जो पार्टी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है वुमेनिज विंग की। हमारे साथ में आसिफ भाई है, आसिफ गणेश जी है, जो स्टेट हेड है हमारी यूटी के। हमारे साथ में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एजाज सोफी जी है, पार्टी के काउंसलर भी हैं। और हमारे साथ में फैजल जी है, जो पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी है और पार्टी का ऑफिशियल, जो हमारा एस पी आर ओ ऑफिशियल भी, वो भी देखते हैं। आज हम लोगों का मेन फिर से वही एक बात जो पिछली बार हम लोगों ने उसको रेज किया था कि 1988-89 में जब कश्मीरी पंडित यहाँ से विस्थापित हो गए, उस वक्त में जो अप्रोक्सीमेशन मंदिरों की जो प्रॉपर्टी थी वो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की संपत्ति थी। तो वो संपत्ति को जिस तरीके से हर एक साथी उस वक्त से लेकर अभी तक, जिसमें हमारे कुछ कश्मीरी पंडित भाई भी इन्वॉल्वड है, मेजॉरिटी कम्युनिटी के मुस्लिम भाई भी इन्वॉल्वड है, और उससे ज़्यादा अगर कोई इन्वॉल्वड है, बिहार और यूपी के कुछ ऐसे लोग हैं जो संत बन के यहाँ पर आए हैं, उसमें कुछ लोग अच्छे हैं जो मठ के साथ रिलेटेड, पर जो मठ मठ के साथ रिलेटेड नहीं है, जो जस्ट संत बन के किसी मंदिर में बैठे और उन्होंने उसके बाद में, अब मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व उसमें ले नहीं होना चाहता हूँ, बट वी वॉन्ट टू सी कि एक साइड से जब मेरी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट लैंड है उसको रिलीज करा रही है फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ दिस प्लेस, बट ऑन द अदर साइड एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो यहाँ से विस्थापित उस वक्त माहौल के खराब होते हुए जब यहाँ से चली गई, तो आज अगर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट, तो हम लोगों ने एलजी साहब को भी चिट्ठी लिखी है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को भी चिट्ठी लिखी है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए जिससे एक रिलीफ मिले और गुडविल गेस्चर मिले हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का, जो वापस कश्मीर आने के लिए तैयार है, आना चाहते हैं, क्योंकि आस्था है मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा। कश्मीर में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक जम्मू कश्मीर, इन पर्टिकुलर कश्मीर का भाई, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसके लिए मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा एक ही नज़र में आता है। उसका अगर मुसलमान भाई अगर चार दोस्त है जिसमें सरदार भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, अगर नमाज अदा करने जाता है तो हिंदू और सरदार भाई उसको तब तक वेट करते हैं, जब सरदार भाई गुरुद्वारे में जाता है तो हम लोग साथ में चले जाते हैं, मुस्लिम भाई साथ में चले जाते हैं गुरुद्वारे में भी, अगर कोई बड़ा दिन हो हिंदू भाई साथ में जाते हैं। हिंदू का फंक्शन होगा तो कल ज्येष्ठा माता का फंक्शन था तो मेरे मैक्सिमम मुस्लिम भाई वहाँ पर थे, सब लोग साथ में। तो हम लोगों का ये कश्मीरियात, हम लोग कहते थे कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में, अगर कश्मीर में हम कश्मीरियात कहते थे, कश्मीरियात यही थी कि एक बगीचा है, पीरू फकीरू साधु संतों ने तपस्या करके हम सब लोग यहाँ पर रहे हैं, पैदा हुए हैं, हम लोग यहाँ पर अपना सफ़र चला रहे हैं, तो इन सब चीज़ को। दूसरी बात है, रिसेंटली हमारा यहाँ दुर्गानाथ ट्रस्ट है, दुर्गानाथ ट्रस्ट के माध्यम से कम 200, जिसमें शॉप्स भी है, वर्कशॉप भी है, पेट्रोल पंप भी है, होटल्स भी है, जिनको लीज़ दिया। तो रिसेंटली एक लीज़ की बड़ी बात उठी थी, जो हमारा पारस हॉस्पिटल है, जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट है ग्राउंड ज़ीरो पर। इसमें कोई शक नहीं है कि पारस जैसे हॉस्पिटलों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैंने देखा है दिल्ली में हमारे कश्मीर के लोग जो बेचारे कोई अपोलो दौड़ता है, कोई मैक्स दौड़ता है, कभी मेरे को भी फ़ोन करते रहते हैं यहाँ पर ही ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इलाज दिलाओ। अगर हमारे पास इतने बड़े हॉस्पिटल आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन एक प्रोसेस जो इसमें चली गई है, इसमें जो दुर्गानाग के माध्यम से लीज़ हुआ है वो लीज़ आमला को हुआ था, आमला ने लीज़ कर दिया त्रिम्बूज के साथ, फिर उन्होंने एक पार्टी एक फर्म फ्रेम कर ली, वो फर्म फ्रेम करने के बाद उसके माध्यम से उन्होंने दिखाया हमने जी पारस को दिया। हम एलजी साहब से और डिविजनल कमिश्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो सब लीज़ जो है उसको ख़त्म कर दीजिए, एक नया लीज़ बना दीजिए। जब लैंड मंदिर की है, गई है पारस को, तो एक नई लीज डीड बने, जिस लीज डीड में मंदिर डायरेक्टली पारस को देता है, जिसमें ये जो कन्फ्यूजन बीच में कुछ लोगों ने खड़ा किया था, कुछ लोग कोर्ट में भी चले गए, इन सब चीज़ों को कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी कम्युनिटी के कुछ भाइयों से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है, अभी तक तो वर्कशॉप को गया, होटल्स को गया, दुकानों को गया, पेट्रोल पंप को गया, आज पहली बार दुर्गानाग की जो प्रॉपर्टी का जो मंदिर की लीज़ एक ऐसी जगह गई है जो आवाम के काम आ जाए, जो आवाम लोगों के काम आ जाए, तो वी आर रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट। अब हमने उसमें कश्मीरी पंडित या हिंदू कम्युनिटी के लिए या माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए गुजारिश ये भी गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि पारस को भी बोला जाए कि 10-15% रिजर्वेशन शुड बी गिवन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल दोज हिंदूज दोज हु आर रेजाइडिंग हियर,
एक गुडविल गेस्चर भी रिक्रिएट हो जाएगा और उनको भी लगेगा कि अगर मेरा मंदिर की लैंड हॉस्पिटल में गई, मेरे बच्चे को वहाँ पर रोजगार भी मिला। रिमेनिंग थिंग्स शुड बी प्रोवाइडेड टू आवर मेजॉरिटी कम्युनिटी ऑफ द पीपल। ये दूसरा मुद्दा था। तीसरा है रेशन का जो इशू है यहाँ पर। पहले हमारा, हमने उस वक्त भी था जब मैं डायरेक्टर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में, जहाँ पर रामविलास पासवान साहब स्वर्गवासी जो लीडर थे हमारे, वो मंत्री थे। उस वक्त भी मैंने उस वक्त के मंत्री साहब को कहा था, जुल्फिकार भाई थे उस वक्त में कैबिनेट में, जब वो मेरे पास दिल्ली में आते थे, हम लोग मीटिंग में बैठते थे, मैंने उस वक्त भी उनको कहा था एक पर्टिकुलर नाम को लेकर ये 5 किलो एड मत करवा दो, क्योंकि जब भी कभी दूसरी बार नई गवर्नमेंट आ जाएगी, डिस्पेंसेशन चेंज हो जाएगी, ये 5 किलो चले जाएंगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहता हूँ, कश्मीर में लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, यहाँ रोटी बहुत कम खाते हैं, कश्मीरी लोग चावल खाते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो 5 किलो वाला है, ये किसी भी नाम से दे दे, जिसको स्पेशल पैकेज बना के 5 किलो प्लस करके हर एक फैमिली को दे दे, जिसमें हमारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पर्टिकुलरली उसमें जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उन सब लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तीसरी बात है G20 की, हम लोग वेलकम कर रहे हैं फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। हमारे यहाँ G20 होना लगता है, G20 एक छोटी चीज़ है, लेकिन G20 एक बहुत बड़ी बात है। G20 को देखकर आजकल पिछले 70 साल में पूरा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पीछे पीछे दौड़ता रहता था, जब दूसरे मुल्कों में ये G20, G21, G13 होता था, हमारे प्रधानमंत्री दौड़ते थे। आज ऐसा मौका मिला है, फॉर विच वी आर रियली ग्रेटफुल टू ऑनरेबल PM, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, और एज वेल एज अपने LG साहब ने, जिन्होंने यहाँ के लिए भी, कश्मीर के लिए स्पेस क्रिएट करवाई। इससे होटलियरों को, बिजनेस सेक्टर को बहुत बेनिफिट मिलेगा, यूथ को बेनिफिट मिलेगा, जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, वो बेचारे यहाँ से दिल्ली या बाकी सराउंडिंग एरिया में, कंट्री में जाते थे, अब दे विल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। हमारे बिजनेस सेक्टर का जहाँ 1,000, 1,200, 1,500 में एक होटल का कमरा बिकता था, आज वही कमरा G20 के माध्यम से इतना एक्सप्लोर हो जाएगा, इतना एक अट्रैक्शन आ जाएगी हमारे कश्मीर वैली की, हर एक कमरा हमारा 15-20 हज़ार, मतलब 3-4-10 times ज़्यादा उसमें रेट्स पड़ेगी, जिससे मेरे को लगता है मेरी इकोनॉमी बढ़ेगी, मेरा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको भी रोज़गार मिलेगा, और एक एटमॉस्फेयर खुशहाल रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, जिससे हमारे बेरोजगार बच्चों को रोज़गार मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत डिफिकल्टीज़ है। क्योंकि आज भी हमारे पास जम्मू कश्मीर को अगर मिला है, 4-4.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिसमें कश्मीर वैली में ही 2-2.5 लाख है। तो उन सब चीज़ों को जब रोज़गार बच्चों को मिल जाएगा, तो दे विल कंसंट्रेट विद देयर फैमिलीज, दे विल बी हैप्पी कि आफ्टर डूइंग स्टडीज एंड ऑल दोज थिंग, जब बच्चा स्टडी करता है, पढ़ता है, पढ़ लिख के जब वो बाहर आता है, वो चाहता है उसको एक रेस्पेक्टेबल जॉब मिले, जिस माँ बाप ने उसको बड़ी